आपने देखो जरा ध्यान से, किसी कुम्हार को देखिए आप, जिंदगी में भगवान कैसे काम करते हैं। जैसे एक कुम्हार होता है अपने कच्चे मिट्टी के घड़े को अपने हाथ में लेकर और कच्ची मिट्टी के घड़े के ऊपर लकड़ी के डंडे से वो मारता है, देखा है ना, डंडे से मारता है कुम्हार। जब डंडे से मार रहा होता है तो कोई भी इंसान देखेगा सोचेगा कितना निर्दयी है कि कच्चे घड़े के मिट्टी पे डंडे से मार रहा है, इससे घड़ा टूट जाएगा। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा, एक हाथ को मारते हुए तो देखा जो ऊपर है, लेकिन वो अदृश्य हाथ जो घड़े के अंदर सहारा दे रहा है, कुम्हार का ही हाथ जो घड़े के अंदर जाकर सहारा दे रहा है, उसको दुनिया नहीं देख पाती है। नीचे सहारा भी दे रहा है, ऊपर से मार भी रहा है। यही वो स्थिति है जो हठ की स्थिति, हठ योग की स्थिति है। योग शास्त्र में एक शब्द आता है हठ योग। हठ योग यानी कि जो भी साधु संत तपस्वी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो हठ योग भी होते हैं, हठ योग करते हैं। हठ योग जो हठ शब्द है, हठ दो अक्षरों से बना है, ह और ठ। जो ह है वो सूर्य के लिए आता है, ह शब्द सूर्य के लिए है और ठ शब्द चंद्रमा के लिए है। यानी जहां सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है वहीं से हठ योग की शुरुआत होती है। यानी हम चोट भी मार रहे हैं सूर्य के तरफ से और चंद्रमा के तरफ से सहारा भी दे रहे हैं। जब चोट और सहारा दोनों मिलता है, जब पिता की शक्ति और माँ का प्रेम दोनों मिलता है, तो उस समय घड़े का बेहतर निर्माण होता है। ज्यादा माँ प्रेम कर ले बच्चे को, कुछ दिन में बच्चा बिगड़ जाएगा। ज्यादा पिताजी सख्ती से बच्चे को देख ले, रोज पिटाई धुनाई करते रहे, कुछ दिन में बेटा बिगड़ जाएगा। दोनों स्थितियों में बेटा बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर पिता की सख्ती भी रहे, अनुशासन भी रहे और माँ का प्रेम भी रहे, तो सुधरने की ज्यादा गुंजाइश स्वतः हो जाती। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो कुम्हार हूं और तुम सभी मेरे घड़े हो, लेकिन कच्ची मिट्टी के घड़े हो। तो जरूरत पड़ने पे मैं सख्ती भी बरतता हूँ, पिटाई भी करता हूँ, लेकिन पिटाई का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, तुम्हें तोड़ देना चाहता हूँ, तुम्हें बेहतर करना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, सुआकार में बदलना चाहता हूँ, तुम्हारी आकृति तुम्हारे जीवन को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं प्रेम रूपी सहारा भी तो तुम्हें देता हूँ। मिट्टी के अंदर जब आप बीज डालते हो तो लगता होगा मिट्टी कितनी निर्दयी है, क्योंकि बीज को सड़ा देती है, गला देती है, मार डालती है। लेकिन लोगों ने उस मिट्टी रूपी माँ की ममता को नहीं देखा कि वही मिट्टी हल्की हल्की गर्मी भी देती है, नमी भी देती है। ऊपर से खोल, जो बीज का खोल है वो सड़ रहा है, मर रहा है, लेकिन वही धरती मैया गर्मी भी दे रही है, नतीजे में एक सुंदर सा कोपल निकल आता है। यानी मार पिटाई और सहारा दोनों एक साथ होता है। यही वो क्षण है जब महाशिवरात्रि की स्थिति आती है। आज की तिथि में, आज की तारीख में रात्रि ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रात्रि के वक्त आज सूर्य के करीब चंद्रमा जाता है, आज सूर्य के करीब चंद्रमा जाता है। ये घटना रात में घटती है जो हमें पता नहीं चलता। सूर्य का मतलब जीवन, सूर्य का मतलब शक्ति और चंद्रमा का मतलब जीवन का पालन पोषण करने वाला। हमेशा देखिएगा वृक्ष दिन भर अपने पत्तों से सूर्य की किरणों से शक्ति लेते रहते हैं। वृक्ष निरंतर पूरे दिन भर भोजन बनाते रहते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। लेकिन रात में पौधे ज्यादा बढ़ते हैं, दिन में पौधे ज्यादा नहीं बढ़ते, रात में पौधे ज्यादा बढ़ते हैं। दिन के समय सिर्फ भोजन करते हैं पौधे, और रात में जब पौधे विश्राम करते हैं तो वही भोजन बाद में उनके शरीर का विकास करता है। आप ये भी देखना कभी, अगर प्रयोग करना चाहे, माताएं बैठी हुई हैं, आपका अगर छोटा बच्चा है, कोई सोता है बिस्तर पे, अभी आप खेल मतलब खेलता नहीं है, बाहर घूमता नहीं है, छोटा बच्चा है, छह महीने का, एक साल का, उस बच्चे को किसी टेप से नापना रात्रि में, जब सो जाता है तो रात्रि में नापना, इंच टेप कितना है वो लिख लेना आज की तारीख में,
रोज रोज रात में सोते समय नापते जाना और दिन में भी नाप लेना जब वो जग जाए तब भी। आप देखोगे रात्रि में उसकी गति ज्यादा बढ़ती है और दिन में थोड़ा कम बढ़ता है। ये जिंदगी का नियम है। यानी चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन का पोषण करके अदृश्य रूप में हमें विस्तार करते हैं और सूर्य ऊपर से तपाते हैं। आपने कभी देखा गमले का पौधा, एक ही पौधा, एक ही प्रजाति के दो पौधे आप लगाओ, एक को गमले में लगाओ और दूसरे को जमीन में लगा दो। आप देखोगे गमले के पौधे में विकास उतना नहीं होता जितना जमीन के पौधे में होता है, जबकि पौधा वही है, पानी वही है, खाद वही है, सब कुछ वही है, दिक्कत एक है। गमले के पौधे में दिन में सूरज की किरणों की रोशनी तो बहुत मिलती है, लेकिन रात्रि में जो जमीन से चंद्रमा की शक्ति मिलती ना वो खत्म हो गई, क्योंकि गमले में है ना, मिट्टी से जुड़ा नहीं है, इसलिए उसका विस्तार नहीं होता, इसलिए गमले का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन वही जो मिट्टी में पौधा लगा है, ऊपर जल रहा है, सर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन रात्रि में चंद्रमा की शीतलता भी उसको मिल रही है, नतीजा ये होता है कि उसका ज्यादा बेहतर विकास हो जाता है। तो शिवरात्रि में, आज के इस रात्रि में क्या होता है, जो रात्रि का समय है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का विकास उसी से होता है। अब यहाँ एक स्थिति है, भगवान शिव शंभु और माँ पार्वती का मिलन की रात्रि है। आज के दिन माँ पार्वती शिव शंभु से मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि शिव और शिव का दो रूप दिखाई देता है, यानी शिव है और साथ में माँ पार्वती भी है, जिसको हम अर्धनारीश्वर का रूप कहते हैं। एक ऐसी शिव की आकृति है जिसमें नारी आधा शरीर दिखती है और पुरुष भी आधा शरीर दिखाई देता है। ये जो अर्धनारीश्वर का रूप है ये बड़ा अद्भुत है। ये सिर्फ शिव के साथ घटित नहीं होता, हम सभी के साथ घटित होता है। आपने ये भी देखा होगा कि दाहिने हिस्से में, अर्धनारीश्वर के दाहिने हिस्से में भगवान शिव शंभु है और बाएं हिस्से में माँ पार्वती, माँ भगवती है, यानी बिल्कुल आधा आधा हिस्सा है। उस शिव की आकृति को देखकर, भगवान के उस रूप को देखकर कई बार हमें ये लगता होगा भगवान स्त्री है या पुरुष है, भगवान क्या है। सच्चाई तो ये है कि भगवान दोनों है, दोनों का मिश्रण है और बिल्कुल बराबरी में स्त्री भी है और पुरुष भी है। एक पुरुष जिसके अंदर स्त्रायण गुण ना हो तो वो अधूरा है और एक स्त्री जिसके अंदर पुरुषत्व का गुण ना हो वो भी अधूरी है। प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष भी है और प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री भी है। हजारों वर्ष पहले सनातन ऋषियों ने कहा था शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में, लेकिन आज विज्ञान भी मानने लगा है कि सच में जो सनातन धर्मी भारत के लोग हैं जिन्होंने शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा है वो कितना महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा दाहिना हिस्सा है वो सूर्य का हिस्सा है। जैसे आप अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं, उस समय आपकी यात्रा कितनी अच्छी होगी ये चाहो तो आप उसके लक्षण पहले ही देख सकते हैं। सुबह के समय जब आप नींद से आंखें आपकी खुलती हैं, बिस्तर से जब नीचे उतरने वाले आप होते हो तो उस समय एक छोटे से इम्तहान ले लेना, परीक्षा कर लेना। आप अपनी दोनों नासिकाओं को देखना कि कौन सी नासिका ज्यादा सक्रिय है। किसी की भी दोनों नासिका एक साथ में सक्रिय नहीं होती। अभी अभी इस समय भी आप चेक करेंगे तो आपकी एक नासिका ज्यादा चल रही होगी, दूसरी नासिका थोड़ी कम चल रही होगी। इस समय भी आप देखेंगे, खुद से महसूस कर ले, आपको पता चलेगा किसी की दाहिना चल रही होगी, किसी के बाएं चल रही होगी। अब सुबह के समय उठते समय बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले भगवान को याद करिए। सबसे पहले तो अपने कर कमलों को देखते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके बाद अपनी नासिका को देखिए कि नासिका मेरी कौन सी चल रही, दाएं चल रही कि बाएं चल रही। अगर आपकी दाहिना नासिका ज्यादा सक्रिय होगी तो भगवान का नाम लेकर अपना दाहिना पैर नीचे उतारिएगा और पहले कदम में दाहिने साइड में कदम बढ़ाइएगा।
आपका दिन बहुत अच्छा होगा। अगर बायां हिस्सा, बायां नासिका सक्रिय है आपकी उस समय, तो भगवान का नाम लेकर बाएं कदम से आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। जब कहीं यात्रा आप करने जा रहे हैं और उस समय दाहिना नासिका आपकी चल रही है, तब आपकी यात्रा बड़ी सुखद और शुभ होगी। जब कभी आप भोजन करने जा रहे हैं और उस समय दाहिना नासिका ज्यादा चल रही है, तो उस दिन का खाया हुआ भोजन बहुत आसानी से पचता है, बहुत आसानी से। जिस दिन आपकी पढ़ाई करने की इच्छा हो रही, जैसे छात्र भी बैठे हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी तो इम्तहान भी चल रहा है, अगर कोई छात्र पढ़ाई करना चाहता है और नासिका अपनी देख ले कि बायां नासिका मेरी अभी इस समय चल रही है, उस समय अगर एक छात्र पढ़ाई करेगा तो मन बहुत लगेगा पढ़ाई में, बड़ा गहरा ध्यान लगेगा। क्यों? क्योंकि बायां नासिका का मतलब होता है चंद्रमा सक्रिय है। बायां नासिका यानी चंद्रमा सक्रिय है और चंद्रमा स्वामी मन का होता है। जो चंद्रमा है वो मन का स्वामी, हमारे मन का। अब चंद्रमा ज्यादा सक्रिय, इसका मतलब कि ज्यादा शीतलता है जीवन में, व्यक्तित्व में इस समय ज्यादा शीतलता, ज्यादा शांति है। जब कोई छात्र पढ़ाई करना चाहता है उस समय उसके जीवन में मन की शांति ही तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर मन में शांति ना हो, मन में बेचैनी हो, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो जब बायां नासिका चल रही हो पढ़ाई करो, जब बायां नासिका चल रही हो तो पूजा करो, मन बहुत अच्छा लगेगा पूजा में, फिर मन भटकेगा नहीं, है ना, मन कहीं दूर नहीं जाएगा। जैसे वो एक कहावत कहते हैं ना अपने क्षेत्र में कि बैठे हैं पूजा में और ध्यान है भुजा पे, है ना, ध्यान खाने पे है और बैठे हैं पूजा पे, तो वो स्थिति नहीं आएगी अगर बायां नासिका आपकी चल रही होगी तो, पूजा बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर दोनों नासिकाएं एक साथ बराबर चल रही हैं, यही स्थिति है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, यही वो स्थिति है जो परम साधना की स्थिति है। अगर दोनों नासिका बराबर चलती है, दिन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब दोनों नासिका बराबर चलती है, उस समय बैठ जाओ ध्यान करने, उस समय समाधि में जाने की बड़ी अंदर सी लालसा जगेगी, यही वो स्थिति है जब इंसान अपने आत्मा के सबसे करीब पहुंचने की स्थिति में आ जाता है। आपने देखा कभी माता छिंदमस्तिका के रूप को देखा आपने? माँ भगवती का एक रूप है माँ छिंदमस्तिका, जिसमें माँ की गर्दन कटी हुई है, सर कटा हुआ है माँ का, माँ के गर्दन से दो खून के फव्वारे निकल रहे हैं, आपने वो चित्र में देखा होगा, दो खून के फव्वारे निकल रहे हैं, एक फव्वारा निकलता है, एक दूसरे बगल में योगिनी खड़ी है वो पी रही है उस खून के फव्वारे को, और दूसरा खून का फव्वारा निकलता है और एक दूसरी योगिनी खड़ी है वो पी रही है माँ के खून के फव्वारे को, लेकिन जो बीच में एक फव्वारा निकल रहा है खून का, उसको माँ अपने ही कटे हुए सर को हाथ में पकड़ी हुई है और वही सर उस बीच वाले फव्वारे को पी रहा है। देखा है आपने ये तस्वीरों में? देखना माँ के छिंदमस्तिका में ऐसे रूप दिखाई दिए हैं। इस रूप का अर्थ जो है वो बहुत गहरा है। जो दाहिना है, जो दाहिना हिस्सा है, वो इंसान की सक्रियता को बताता है, यानी सूर्य को बताता है। बायां हिस्सा चंद्रमा को बताता है, लेकिन बीच का हिस्सा है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल जाते हैं तो वो स्थिति होती है जब सम की स्थिति है, यानी जब थोड़ी सक्रियता भी है, थोड़ी शांति भी है, थोड़ा साहस भी है, थोड़ा प्रेम भी है, थोड़ी पूजा भी है, थोड़ी करुणा भी है, यानी जब ठंडा भी है और गर्म भी है, यही स्थिति है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, यही वो स्थिति है जो परम साधना की स्थिति है। अगर दोनों नासिका बराबर चलती है, दिन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब दोनों नासिका बराबर चलती है, उस समय बैठ जाओ ध्यान कर ले, तो माँ पार्वती शिव शंभु से मिलती है, यानी एक ऐसा साधक जो अपने शिव को प्रसन्न करके शिव से मिलना चाहता है, एक साधक है जो अपने शिव से मिलना चाहता है, वो अपने शिव को मना रहा है, वो अपने शिव को खुश करना चाहता है,
जब एक साधिका, जब माँ आद्य शक्ति माँ भगवती जब प्रसन्न करना चाहती है अपने शिव को, तो प्रसन्न करेंगी तो करेंगी कैसे? वो क्या कहती है? मैं अपने शिव को मनाना चाहती हूँ, शिव को प्रसन्न करना चाहती हूँ। क्योंकि शिव प्रसन्न होंगे कैसे? जब शिव का गुण धर्म हम अपनाएंगे तो स्वतः शिव प्रसन्न होने लगेंगे। जो शिव को चाहिए वही गुण धर्म अगर हम अपने अंदर अपनाएंगे तो शिव हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। शिव का गुण क्या है? मंगलकारी, शुभ, सत्य। शिव के ऊपर आप देखो कितनी अद्भुत लीला है कि शिव को भस्म से भी स्नान कराया जाता है, राख से स्नान कराया जाता है। शिव राख से स्नान कर रहे हैं, अर्थ क्या? गहरा अर्थ है। भस्म से स्नान सिर्फ नहीं कराया जा रहा है, शिव वो हैं जहां जो प्रलयंकारी है, जो प्रलय करते हैं। प्रलय किसका? संसार का प्रलय कर डालते हैं। संसार का जब प्रलय होता है तब जाकर अध्यात्म का जन्म होता है। संसार मरता है तो अध्यात्म जन्म लेता है। संसार यानी विकारों से भरा हुआ संसार, और अध्यात्म यानी जहां विकार मुक्त हो जाए वहां अध्यात्म का जन्म होता है। तो शिव कैसे है? शिव के ऊपर सिर्फ भस्म से स्नान नहीं कराया जा रहा है, पूरा का पूरा संसार रूपी शरीर शिव का भस्म ही बना हुआ है। भस्म है, राख है, अपनी जिंदगी को जला डाला है। अब सिर्फ शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल बचा हुआ है। इसलिए प्रतीक के रूप में शिव को भस्म से स्नान कराया जाता है। मर चुका है सब कुछ। जहां से विकार उत्पन्न होते हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अगर कोई भी गलती हम करते हैं तो ध्यान से देखेंगे जरूर शरीर कहीं ना कहीं उसमें लगा हुआ है। शरीर के कारण से हम गलत खाना खाते हैं स्वाद के लिए, या शरीर के कारण से ही हम कुछ करते हैं, चाहे हम किसी भी तरह की गतिविधि में जाएं। तो माँ भगवती क्या कहती हैं कि हे शिव, जितने पवित्र आप हो उतनी ही पवित्रता और मंगल अपने अंदर जगाऊंगी, और जब अपने अंदर मंगल जगाऊंगी तो निश्चित तौर से आप भी प्रसन्न हो जाओगे और आप जरूर मुझे वरण करोगे। तो माँ आद्य शक्ति मना रही है शिव को खुश करने के लिए। शिव की सिर्फ पूजा नहीं, शिव के गुण धर्मों को आत्मसात कर रही है, अपने जीवन में उतार रही है। तो स्वतः जब कोई इंसान उस तरह के गुण धर्मों को अपनाता है तो धीरे धीरे शिव खींचे चले आते हैं और उसके जीवन में मंगल चला ही आता है। बोलिए भगवान शिव शंभु की जय, मां पार्वती की जय।